21 जनवरी 2023 लेकिन पटना के गर्दनी बाग में एक बार फिर जुटे हैं ऑल केमिस्ट। जी हाँ, ऑल इंडिया ऑल केमिस्ट एसोसिएशन का ये पूरा प्रदर्शन है। इनकी मांगे क्या कुछ है इन्हीं से समझेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि इनके जो आरोप है बेहद गंभीर है। इनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है और एक दो लोगों के साथ नहीं बल्कि लाखों लाख लोग हैं जो इसका शिकार हुए हैं। तो इन लोगों से सीधे बातचीत करते, क्या समस्या, नाम क्या है आपका? जितेंद्र कुमार नाम हुआ, पटना से हम हैं। जितेंद्र जी, आज हर महीने आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आज फिर से इकट्ठा हैं, क्या मुख्य मांग क्या आप लोगों की? ये पांचवी बार हम सब लोग आज बैठे हैं धरना पर, मुख्य मांग हम सब लोग की है कि ये जो देश की जनता, बिहार की जनता, जिन्होंने एल्केमिस्ट पे भरोसा करके, जिन्होंने भारत सरकार के MCA से रजिस्टर्ड है, ROC से रजिस्टर्ड है, NSC BSE पे रजिस्टर्ड कंपनी है, इसलिए आम जनता ने पूरी तरह भरोसा किया कि हाँ ये गवर्नमेंट के रजिस्टर्ड कंपनी है। क्योंकि साधारण सा कोई दुकान अगर बिहार में खोलेगा तो उसको रजिस्ट्रेशन चाहिए। ये पूरे हजारों करोड़ का निवेश करा रही है, निश्चित रूप से रजिस्टर्ड कंपनी थी। आज हम सब लोग 2017 के बाद आम जनता को, जो KD सिंह जो राज्यसभा के सदस्य भी हैं, जिन्होंने पैसा देना बंद कर दिया, हम सब लोग लड़ाई कोर्ट में लेकर के गए, हाई कोर्ट यहाँ तक कि हम सब लोग के पक्ष में डिसीजन दिया, कलकत्ता हाई कोर्ट हम सब लोग के पक्ष में डिसीजन दिया, कुछ पेमेंट शुरू हुआ लेकिन फिर उसके बाद पेमेंट मिलना बंद हो गया। अब जरा सोचा जाए कि हम सब लोग हाई कोर्ट के निर्देश को भी KD सिंह पालन नहीं कर रहे हैं, उन्होंने इंसॉल्वेंसी में चले गए, NCLT में चले गए, NCLT रूल के हिसाब से 9 महीना में पेमेंट मिलना चाहिए, लेकिन आज 2 साल हो गए वहां से पेमेंट नहीं मिल रहा है। आम जनता गवर्नमेंट के पास पहुंच रही है। आप लोगों का कितना, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुबोध कुमार हुआ। आपका कितना नुकसान हुआ है, कितना पैसा लगाया था आपने? हम लोगों के टीम से 1 करोड़ लगभग डिपॉजिट है जो कि आपको नहीं मिला है। जो नहीं मिला आज। आपका क्या नाम हुआ? इंद्रमणि सिंह है मेरा नाम हुआ। अच्छा, आपका कितना लगा है पैसा? 25 लाख रुपया है इसमें। 25 लाख रुपया आपका भी डूब गया है और उम्मीद लग रही कुछ मिलेगा? अब KD सिंह चोर है, देख रहे हैं, आज 2 साल से टहरा रहा है, बार बार कहने के बाद भी हम लोग को धमकी आता है कि नहीं पैसा दीजिएगा तो तुमको घर से निकाल देंगे, मार देंगे, गोली मारेंगे, धमकियां दी जाती हैं। और क्या नाम है आपका? मणि कुमार ठाकुर। क्या, कितने आपने कितने पैसे लगाए? 2 करोड़ रुपया पूरे क्षेत्र से उठा के डलवाए हैं। मतलब अपने इलाके के लोगों से आपने पैसे लिए? गरीबों से, गरीबों के। जो महिला खेत में जाके दूसरे के यहाँ बर्तन साफ करके 10-10 रुपया मकई काट उठ के जमा करता था कि कल मेरी बेटी 16 साल 18 साल की होगी, उसकी शादी करेंगे। आज सरकार भी योजना, कन्या योजना बोल ना, केंद्र सरकार, राज्य सरकार सब निकाल रहे हैं, लेकिन उसकी योजना खुद उसका पैसा जमा किया हुआ सरकार उसको नहीं दिलवा रहे हैं पैसा, जो कि KD सिंह सरकार की सारी संपत्ति को सरकार भी जान रहे हैं। पूरे बिहार में कितने लोग हैं जो ये आरोप लगा रहे हैं जिनके पैसे डूब गए, कितनी संख्या में लोग हैं? 25,000 करोड़ रुपया है बिहार का पैसा, बिहार का 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा, कितनी संख्या में लोग इसके शिकार? देखिए, बिहार के तमाम जो है 1 से 2 लाख सिर्फ अल्केमिस्ट कंपनी में पैसा जमा किए, जिसकी अमाउंट है 5,000 करोड़ रुपया। और जो अभी भाई साहब ने बोला कि मकई काट करके उन्होंने पैसा जमा करने का काम किया, सुकन्या योजना तो आप बाद में चलाइएगा, क्यों? क्योंकि सुकन्या योजना में आप देंगे क्या, उनसे जमा कराएंगे तब उन्हें कुछ राशि आप सहयोग करेंगे, लेकिन यहाँ तो क्या है कि वो अपना पैसा, ये धोखाधड़ी जो आरोप लगा रहे हैं ये बिहार में है या पूरे देश भर में हुई? ये पूरे देश की मुद्दा है। और मैं बता रहा हूँ ये पूरे देश की मामला सिर्फ अल्केमिस्ट का ही नहीं है, ये सहारा है, PSEL है, तमाम हम सारे जो भी ठगे पीड़ित परिवार हैं, जितने भी ठगे पीड़ित परिवार हैं, हम सारे लोग को मैं सरकार से ये अनुरोध करूंगा कि इसको आपदा के रूप में ये घोषित करे। हाँ। कि इसको जो इतनी बड़ी, देखिए इन लोगों, ये लोग बाकायदा ये लोग प्रूफ दे रहे हैं कि देखिए इन लोगों के प्रूफ है, जनता का पैसा का हॉस्पिटल है कि यहाँ पर एल्केमिस्ट के नाम से इन लोग, आप लोगों ने जो राशि जमा की थी क्या बोल कर आपसे राशि ली गई? हम लोगों से ये बोला गया था कि आप लोग जो है अपना पैसा जमा करें, 2 साल में 2 गुना, 3 साल में 3 गुना, 10 साल में 5 गुना, ऐसे कर करके हम लोगों से पैसा लिया गया। MIS का प्लान भी चल रहा था 3 साल के, उसमें 1 लाख मंथली इंटरेस्ट स्कीम के नाम से पैसा लिया गया है, जो 3 साल का था, और डबल के लिए 6 साल का था, 3 गुना के लिए 9 साल का था, और 5 गुना के लिए 12 साल का था, और 16 साल 10 गुना का पैसा था।
जो जनता से पैसा हम लोगों ने 125 करोड़ रुपया जमा कराया, मैं छपरा से बिलोंग करता हूँ, और वहाँ से पैसा लेकर कंपनी, ये लोग बकायदा प्रूफ भी दिखा रहे हैं कि इन लोगों ने जो पैसा जमा कराया है उसकी, इसकी इनके पास राशि, जो राशि ने जमा कराई उसकी बॉन्ड है, रसीदें हैं, इनके पास बहुत प्रूफ है। ये देखिए, ये इन पर है इनका आरोप, जिन पर ये आरोप लगा रहे हैं, और ऐसे इनका कहना है कि ये वो लोग थे जिन पर इनको इसलिए भरोसा था क्योंकि बड़ी तमाम हस्तियां इन लोगों पर भरोसा जता रही थी, ये कंपनी सरकार की तरफ से रजिस्टर्ड थी और इस कंपनी पर इसीलिए इन लोगों ने भरोसा किया क्योंकि सरकार की तरफ से इसको लिस्टेड था, तो इसलिए इन लोगों ने भरोसे के तहत पैसा जमा किया और इस उम्मीद में किया कि हो सकता है कि एक साल बाद, दो साल बाद जब ये अमाउंट डबल होगा तो कोई माँ अपनी बेटी की शादी करेगी, कोई अपना घर बनाएगा, ऐसे तमाम सपने इन लोगों ने बुन रखे थे, लेकिन अब वो सपने चूर चूर हो गए हैं और इनकी उम्मीदें धराशाही हो रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रहे हैं पटना के गर्दनी बाग में हर महीने एकजुट होकर ताकि इनकी मांगों पर सरकार गौर करे, इनके मुद्दों को उठाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, ऐसी ही तमाम वीडियो के लिए देखते रहिए पब्लिक ओपिनियन। नमस्कार।